वो कहीं पे होटल भी कहीं पे नहीं रुकेगी, सिर्फ मेरे घर पे आके रुकेगी। तो उसके आने से पहले तो अपने घर चली जाएगी ना, उसको भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा ना थोड़ा, तो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने घर पे जाके दो तीन दिन रुक जाना। क्यों रह लूं अपने घर, तो यहाँ पे आराम से दो तीन दिन स्टे कर लेगी। वो यहाँ रहने के लिए आ रही है क्या? बीवी को आप बाहर कर रहे हो? अरे पुरानी जान पहचान है ना उससे। चलो चप्पल पहन ले अपनी, चल मैं तेरे को छोड़ के आ जाता हूँ। उससे करवाना है अपने कच्चे धुलवाना अपने घर में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग सब जाओगे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल तो आपने देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आज मैं कौन सा प्रैंक करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं अपनी वाइफ को भेजने वाला हूं उसकी मम्मी के घर और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाने वाला हूं घर पे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वाइफ का रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो प्रैंक होने वाला है बहुत जबरदस्त। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रैंक। One hour later. अरे आती, सुन क्या हुआ? अरे मुझे तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है यार। बताओ क्या बात है? तू एक काम क्यों नहीं करती? क्या? दो तीन दिन के लिए अपने घर पे चली जा। अरे अभी तीन छुट्टियां आ रही है ना, सैटरडे संडे फिर मंडे। तो छुट्टी आ रही तो इसका मतलब घर चली गया, यहाँ के काम नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे काम है। अरे कुछ नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा यहाँ पे। अरे मेरा मन नहीं है वैसे भी अभी घर जाने का, बाद में जाऊंगी आराम से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना मेरे रेस्ट के बारे में कैसे सोच रहे हो आज? देखता हूँ ना काम करते हुए, तो थोड़ा सा दिल में आ ही जाता है कि कुछ दिन रेस्ट कर ले ये भी। तो काम तो करने हैं ही, बतेरे काम होते हैं छुट्टी पे, छुट्टी वाले दिन तो और एक्स्ट्रा काम होते हैं, काम निपटाने होते हैं घर के। कुछ काम नहीं है, तू अपने दिमाग पे ज्यादा बर्डन मत डाल, यहाँ पे सब कुछ मैं देख लूंगा। तू अपने घर पे जाके कुछ दिन रेस्ट कर ले। क्या देख लो? और वैसे मैं सिंगल रहूंगा तो। हाँ सिंगल रहोगे तो कर लोगे सब कुछ, कुछ भी नहीं कर पाते आप। अरे सब कुछ कर लूंगा यार, थोड़ा सा। अरे नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। और ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं है वैसे मेरा घर जाने का भी फिलहाल तो। ठीक है देख ले, अभी तीन छुट्टियां आ रही है, मैं तो तेरे भले के बारे में सोचा हूँ। दो तीन दिन जाके अपने घर पे रुका और कुछ आराम कर ले, यहाँ पे मैं भी दो तीन दिन आराम कर लेता हूँ। नहीं मैं नहीं जा रही, वैसे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है आपको? आज क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने अकेले कैसे करोगे क्या यहाँ पे? मैं चली जाऊंगी तो अकेले क्या करोगे आप? बोर नहीं हो जाओगे? इतना बोर हो जाओगे, इससे अच्छा तो मैं यही रहूँ तो वो बढ़िया है। अरे मैं आराम कर लूंगा, मुझे भी आराम मिल जाएगा कुछ दिन। अच्छा मैं रहती तो आराम नहीं मिलता आपको? सुन हाँ, दो तीन दिन की छुट्टी आ रही है, तू भी अच्छे से आराम कर लीजिए अपने घर में। वो तो ठीक है पर मेरा बिल्कुल अभी मूड है नहीं, ना मेरा मन कर रहा है जाने का। पहले से प्लानिंग होती है अपने घर जाने की, तब तो ठीक है। अचानक एकदम से क्या बोल रहे हो आज आप? आज ही जाना है, ऐसा थोड़ी है कुछ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बैग उठाना है तुझे, दो कपड़े डालने हैं, आप लेके चली जा बच्चों को। नहीं 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 मैं नहीं जा रही। क्या हुआ, बात क्या है बताओ? बात क्या? अरे ऐसी कुछ बात नहीं है। कुछ तो बात है, कुछ तो आप छुपा रहे हो मुझसे। आप ऐसे कभी नहीं बोलते कि तू चली जा आज चली जा। नहीं, क्या बात है? नहीं है। क्या बात है वो बताओ, बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या छुपा रहे हो वो बता दो मुझे। चल झूठा। आप मेरे को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो घर जाने के लिए, हैं? आज से पहले तो कभी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, कुछ तो बात है। क्या बात है बताओ, क्या बात है? इतनी मेरी चिंता, तेरे को रेस्ट मिल जाएगा, तू आराम कर ले, तू लगी रहती है। तू गलत सोच रही है। नहीं गलत नहीं सोच रही मैं, मैं सही सोच रही हूँ। क्या बात है बताओ, इतनी मेरी केयर कर रहे हो, मेरी चिंता कर रहे हो। तेरे बारे में सोचता हूँ ना, तू सोचने नहीं देती तेरे बारे में। बात फिर क्या है? बोलती है कि मेरे बारे में सोचते नहीं हो। तो बात क्या है, इतना फोर्स क्यों कर रहे हो घर जाने के लिए? ऐसा क्या मिल जाएगा आपको मेरे घर जाने से बताओ? प्यारी समझ गई। अरे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ना अंजलि, वो तो मैं क्या चार डालूं उसका अंजलि का यहाँ पे?
वो दिल्ली में आ रही है 2-3 दिन के लिए। तो दिल्ली में आए कहीं पे भी मरे जाके, तो यहाँ पे क्या करने आ रही है वो है? अरे मैंने उसको बोल दिया है कि मेरे घर पे रुक जाना। आपने बोला ना उसको यहाँ पे रुकने के लिए, तो आप मेरे को क्या बोल रहे हो, घर चली जा? तो आप यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहे हो उसको? तू 2-3 दिन के लिए अपने घर पे चली जाएगी ना? दिमाग मत खराब करो ठीक है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तभी मैं सोचूं मेरे बारे में इतना कैसे सोच सकते हो आप? अब मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है। उसको कैसे प्रॉमिस कर दिया आपने? मेरे से पूछी थी आपने प्रॉमिस करने से पहले है? वो आ रही है। आप मेरे को बाद में बता रहे हो, उसको आपने पहले बोल दिया। क्यों बोल दिया? और वो करने क्या आ रही है यहाँ पे? पिटवीट के जाएगी क्या मेरे हाथों से? अरे वो 2-3 दिन ऐसे ही मेरे से बात करने के लिए आ रही है। टेंशन बदले, काम वाम सब कुछ हो जाएगा, वो आगे सब कुछ मैनेज कर लेगी। आप एक बात बताओ, रहने के लिए आ रही है क्या? बीवी को आप बाहर कर रहे हो है? उसको अंदर लेके आओगे घर के अंदर? घर के अंदर घुस नहीं जानी चाहिए, पहले बता रही हूँ मैं आपको। 2-3 दिन वो रुक के मेरे साथ वो यहाँ पे आके खाना वाना सब कुछ जो है ना मेरा सब कुछ मैनेज कर लेगी, कपड़े वपड़े साफ सफाई वो सब कुछ देख लेगी, उसने बोला है। उसकी बात आपने एक बार भी मान ली है? वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। कैसे कर लेगी मैनेज? वो मेरे घर में आके किचन में घुसने जानी चाहिए घर में, ठीक है? पहले मैं बता रही हूँ। अरे तेरे से पहले वही सब कुछ मैनेज करती थी मेरा। वो मैनेज करती थी है? तो उससे शादी कर लेते, मेरे से क्यों करी थी शादी है? वो मैनेज करती थी, वो मैनेज करती थी। अरे मतलब सब कुछ वही, खाना पीना ड्रेसिंग व्रेसिंग सब कुछ वही देखती थी ना, तो वो कर लेगी मैनेज। 2-3 दिन तू अपने घर पे चली जा। अब मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया है कि तू मेरे घर पे स्टे करेगी, तो वो आ रही है ठीक है। मेरे ना सर में दर्द होने लग गया बहुत तेज, ठीक है? आपने ना वैसे ही सर में दर्द कर दिया है बोल बोल के उल्टी सीधी बातें। उसको फोन करो और बोल दो यहाँ आने की कतई जरूरत नहीं है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए उसको, ठीक है? अब मैंने आराम से बोल दो है? नहीं तो फिर हो जाएगी अच्छी वाली लड़ाई, ठीक है? फिर मैं फोन करके बोलूंगी। मैंने उसको बोल दिया है कि वो कहीं पे होटल पे कहीं पे नहीं रुकेगी, सिर्फ मेरे घर पे आके रुकेगी। क्यों आप उसके ठेकेदार लग रहे हो क्या है? अरे पुरानी शादी हो गई ना आपसे, आपकी शादी हो गई है ना, तो मेरा ठेका लेना बस आपको, और दूसरों का ठेका लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? पुरानी जान पहचान है ना मेरी, तो आपकी सारी जान पहचान निकाल दूंगी मैं एक मिनट में। समझा कर पता है मुझे, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से शिमला गया था ना, तो उसने क्या बोला था कि शिमला में किसी होटल में नहीं रुकोगे, फिर घर पे रुकोगे। तो कहाँ रुके थे आप? मैं उसके घर पे रुका था। कुछ शर्म है थोड़ी सी। तो यार अब वो मेरे से रिक्वेस्ट कर रही है, मेरे से बोला है उसने कि मैं आपके घर रुकूंगी, तो मैं उसको कैसे कह दूंगी कि होटल में रुक, अब वो मेरे घर पे रुकेगी। क्योंकि आप रुके थे वहां पे है ना, इसलिए आपको उसका वो करना है। यार उसने मेरी इतनी हेल्प की थी अपने घर पे, मुझे रुकवाया था, तो मैं भी उसको अपने घर पे रुकवा रहा हूँ ना, मेरे घर पे स्टे कर लेगी 2-3 दिन, और मैं इसलिए बोल रहा था तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे को प्रॉब्लम है, सोच रहा था कि तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपने घर पे जाके 2-3 दिन रुक जाना। क्यों रह लूं मैं अपने घर? वो यहाँ पे आराम से 2-3 दिन स्टे कर लेगी, तुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी नहीं होगी। परमानेंट चली जाओ यहाँ से निकल के, वो आगे रह लेगी यहाँ पे है? आलतू फालतू बातें करने लग रहे मेरे साथ, मैं बता रही हूँ, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, वो यहाँ आनी नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बावजूद भी अगर वो यहाँ पे आई ना, फिर देख लेना आप क्या हाल होने वाला है, ठीक है? आपने सर पे चढ़ा रखा है आलतू फालतू लोगों को। यार वो शिमला से निकल चुकी है, तो निकलने दो ना। यही घर में लाया क्या? उसको कैसे मैं होटल में रुकने दूँ? आपको इतनी चिंता हो क्यों रही है? क्यों हो रही है चिंता इतनी? क्यों हो रही है? वो भी तो मेरी चिंता करती है। तो क्यों कर रही है वो आपकी चिंता? शादी होगी बोल नहीं सकते, दो बच्चे हैं आपके, पालतू फंड की चिंता कर रही है वो, उसको भी बोल दो शादी वादी करे, दिमाग खराब कर रखा है। अब कुछ नहीं हो सकता, तू 2-3 दिन के लिए ना अपने घर पे चली जा बच्चों को लेके, वो 2-3 दिन यहाँ पे रुकेगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ठीक है, और मेरे को ना और परेशान मत करो ठीक है, ऑलरेडी आप इतना कर चुके हो परेशान। उसकी इतनी चिंता है, जो घर पे है वाइफ उसकी चिंता नहीं है? उसको तू अपने घर चली जा, उसको तू यार होटल में रुकवा लो। तेरी भी चिंता कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो तेरे को
घर भेज रहा हूँ तेरे। उसको बोल देना कहीं रुक जाएगी होटल लेके। वो बाहर नहीं रुक सकती ना। क्यों? बड़ी कीमती चीज है वो, बाहर नहीं रुक सकती। आती एक काम कर, उसके आने से पहले ना, उसके आने से पहले ये तो बैग ले और तेरे को कुछ पैसे भी दे देता हूँ। बहुत बेशरम आदमी है, बहुत बेशरम। वो कल यहाँ पे मॉर्निंग में पहुंच जाएगी, तो एक काम कर, ये तेरा बैग है, सब पैकिंग वैकिंग मैंने तेरे कपड़े बड़े सब रख दिए बच्चों के भी, और ये पैसे ले। अपने पैक भी कर दिए कपड़े मेरे हैं? तो उसके आने से पहले तो अपने घर चली जाएगी ना, उसको भी अच्छा लगेगा, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा ना थोड़ा। आप मेरे को बाहर निकालने के लिए हैं इतना सब कुछ समझ रही है? मैं तेरे को सब कुछ प्रिपेयर करके बैठे हुए हो, दो तीन दिन के लिए तेरे घर पे भेज रहा हूँ, ताकि वो यहाँ पे दो तीन दिन आराम से रह सके और आप रह सको साथ में उसके साथ में रह सको। बात ये बोलो ना, आपको टाइम मिल जाए, उसको नहीं आपको टाइम मिल जाए, आपको साथ में रहना है, उसको नहीं। आप चाहते हो कि वो यहाँ पे आए और मैं निकल जाऊं। पैसे हैं, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये कुछ पैसे हैं, इनको अपने पास रख, टेबल में काम आएगा तेरे, ठीक है? आपको चाहिए मैंने कर दिया है, तेरे को एक काम कर, मैं बाहर तक ड्रॉप भी कर देता हूँ। चल, मेरे कपड़ों के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, रख दो इसको, जैसे आपने पैक किया ना वापस निकाल निकाल के रख दो, नहीं तो मैं आग लगा दूंगी। मैं सब सच बता दूं, यहाँ से मेट्रो, बच्चों को और तुमको छोड़ देता हूँ, मेट्रो पकड़ के अपने घर। शर्म आ रही है कुछ थोड़ी सी है? हमें मेट्रो से छोड़ दो, उसको ले जाओगे है? थोड़ी अकल है कि नहीं है? अरे तो कल सुबह फ्लाइट से आ रही है ना, बात मत करो इसे, बिल्कुल भी बात मत करो, ठीक है? इतना बोलने के बाद भी इंसान जो बात ना सुने वो क्या आदमी है? यार मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कुछ नहीं हो सकता, तू अपने घर पे जा, दो तीन दिन के लिए अपने घर पे रुक जा, क्या दिक्कत आ रही है? इतना नहीं सोचा था मैंने, इतना मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, इतना आप मेरे को परेशान कर रहे हो ना, ठीक है? घर मेरा, पति मेरा, बच्चे मेरे, मैं निकल जाऊं यहां से है, वो यहां के रहेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। यार पुरानी जान पहचान है, एक्स है ना मेरी, और वैसे वो यहीं पे स्टे कर रही, तू एक काम कर, तोड़ दूँ उसकी एक्स की। तो एक काम कर, ये तेरा बैग है, बच्चों को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है? और आ जा तू भी, मेट्रो तक छोड़ देता हूँ। बैग को भी यहाँ रखो आराम से, और आप क्या बन रहे हो अपने आप को है? चुपचाप है ना, यहाँ के बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना है, ठीक है? मुंह तोड़ दूंगी, ठीक है? आपका भी और उसका भी। आपको चाहिए स्पेस, निकल जाऊं मैं यहां से। मेरे सामने ना ऐसा शरीफों वाली शक्ल मत बनाओ, ठीक है? अरे वो कुछ दिन के लिए मेरे साथ यहाँ आराम से रह लेगी, खाना पीना वो सब कुछ। आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। चली जाऊं मैं, चली जाऊं, मैं चली जाती हूँ। ये पैसे ले, ट्रैवल में काम आएगा। इसको भी अपने पास ही रखो, मैं चली जाती हूँ, ठीक है? उसी को बुला लेना, अब मैं सच में चली जाती हूँ, ज्यादा आपको बुलानी पड़ी है ना। अरे मैं तेरे को बाहर तक ड्रॉप कर देता हूँ, चल बच्चों को बुला ले। हाथ ना इस पे हाथ भी मत लगाओ, ठीक है? मैं अपने आप चली जाऊंगी, जाना ही है ना, अब मैं आ नहीं जाऊंगी, पहले बता रही हूँ, ठीक है? दो तीन दिन नहीं, अब देख लेना। मैं मेट्रो तक छोड़ देता हूँ तेरे को, दिल्ली मेट्रो का यूज किया करना। मेहरबान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगी। चल चल, चलो चप्पल पहन ले अपनी, चल मैं तेरे को छोड़ के आ जाता हूँ, चलो। बैग यहाँ रख दो, और ना हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अब उसी को यहाँ पे रखना, उससे करवाना है अपने कच्चे धुलवाना अपने गंदे। अरे दो तीन दिन की तो बात है, दो तीन दिन में तू आ जाना वापिस, दो तीन दिन वो रुके चली जाएगी। वो भी चाहिए आपको और मैं भी चाहिए, ठीक है? एक को डिसाइड कर लो, नहीं हो सकता तो मैं जा रही हूँ, ये हो सकता है और कुछ नहीं है। वो आर्थिक गलत समझ रही है, वो सिर्फ एक्स है मेरी, शादी मेरी तेर से हुई है, वाइफ थोड़ी है, उसको बनाने वाला हूँ। तो वाइफ नहीं है वो, वाइफ जब मैं हूँ तो उसको यहाँ पे क्या भटकने के लिए बुला रहे हो क्या यहाँ पे? क्या बोला तूने? शिमला में मेरी मदद की थी ना रुकने के लिए, शिमला में उसने मेरी हेल्प की थी, तो उसने अपने घर पे रुकवाया था दो तीन दिन, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मैं उसको यहीं पे रुकवा लेता हूँ, दिल्ली में अपने हमारे घर ही।
अरे अपनी शिमला वाली एक्स को मना कर दूंगी, नहीं आए घर पे। नहीं बुलाओ, मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, काम करता हूँ मैं, उसको मना कर देता हूँ। नहीं नहीं अब बुलाओ, ठीक है आप पे ये चलता रहता है ड्रामा। मैं उसको मना कर देता हूँ, फोन नहीं, कर नहीं, नहीं मैं अब परमानेंटली चली जाऊंगी बच्चों को लेकर यहाँ से। चलो जाने दो। अच्छा मेरी बात तो सुन। नहीं मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन। मैं नहीं सुन रही। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे बात तो सुन, मैं प्रैंक कर रहा था यार तेरे पे। तू सीरियस हो रही है, ठीक है? तू सीरियस हो रही है, मैं प्रैंक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था तेरे साथ आरती। ये सिर्फ एक मजाक है, कोई शिमला से नहीं आ रही। अब मैं जाके रहूंगी, ठीक है? आप ऐसे ऐसे मजाक जानबूझ के बोलते हो। अरे यार मैं तेरे को नहीं जानी हुआ ना, मैं प्रैंक कर रहा था। इट्स अ प्रैंक, ये प्रैंक है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है? ये मजाक ही है आरती, मैंने कैमरा लगाया हुआ है यार, मजाक कर रहा था आरती। आज मैंने सोचा कि प्रैंक कर लेता हूँ तेरे साथ। अच्छा मैं एक मिनट कैमरे को ऑफ करके आता हूँ।